अमरकंटक मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों में से एक है, जो विंध्य और सतपुड़ा रेंज की उत्तम सुंदरता से घिरा हुआ है। इस जगह को भारत की दो महान नदियों नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। अमरकंटक यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अंतर्गत आता है। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो नज़दीक का एयरपोर्ट बिलासपुर, जो कि 130 किलोमीटर की दूरी तथा जबलपुर 300 किलोमीटर का दूरी पर स्थित है। और यदि आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन पिंडरा रोड का पड़ेगा, जो कि महज 40 किलोमीटर दूर है। और यदि आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको हर जगह से इस स्थान पर आने के लिए रास्ते जुड़े हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं किशन सारीवान आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं अमरकंटक के नर्मदा मंदिर के जस्ट सामने में, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी तो फिलहाल पानी वगैरह गिर रहा है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर जाया जाए या ना जाया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग जाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो चलिए चलते हैं अब अंदर की तरफ और अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पर एक जूते रखने का स्थान भी है, तो वो भी यहाँ पे रख देते हैं। स्लीपर था वो। अब चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ, और मंदिर परिसर की तरफ जब देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो बोर्ड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे प्रसाद वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएगी, और मंदिर परिसर में रुकने के लिए रूम भी उपलब्ध है यहीं पर ही। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर का जो नज़ारा है आपको यहीं से दिखाते हैं। और यह जो मंदिर है इसके मुख्य द्वार से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर में नर्मदा मंदिर और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, फंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटाशंकर भी कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बाँस का झुंड था, माँ नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड एवं स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्धार कराया। यह मंदिर आगंतुकों को शांति प्रदान करता है, और जो सकारात्मक और पॉजिटिव वाइब के उजागर करने वाले आश्चर्यजनक विचारों में तल्लीन कर देता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, अगर आप अमरकंटक घूमना चाहते हैं तो देखेंगे कि यह मंदिर कितना ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर आपको दिखाई देगा। ऐसे लगता है कि इस स्थान पर अगर एक बार अगर बैठ जाते हैं तो शायद आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस जगह में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स प्राप्ति ज़रूर होगी। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगा करता है सावन के महीने में, क्योंकि यह स्थान पे बहुत सारे श्रद्धालुगण अक्सर करके सावन में आना पसंद करते हैं। और इस बार भी सावन के समय में हम भी आए हुए हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के भी मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो कृपया इन जो बंदर हैं उन लोग से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये आपके सामान को छीन लेंगे और आपके पूजा की सामग्री को ख़राब कर सकते हैं। इस स्थान पर एक हाथी और एक घोड़े की मूर्ति है, जिस पर लखन और उदल की मूर्तियां रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि यह औरंगजेब के काल में क्षतिग्रस्त हुई थी, और हाथी के पैरों के नीचे से अगर आप निकलते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई लोग का कहना है कि यदि आपने बहुत ज़्यादा पाप किया है तो आप उस जगह से नहीं निकल पाएंगे, और जिन्होंने पाप नहीं किया है वो जल्दी निकल जाएंगे।
नहीं ताकत मत कर, नहीं नहीं लगा ताकत करेंगे तो दिमाग छोड़, शरीर ना हिलका करके कटना मटा। जय भगवान। तो ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, जो मुख्य प्रवेश द्वार यहीं से होता है, और पास में ही गोरखनाथ जी का एक मंदिर भी है, गोरखनाथ मंदिर। तो ऐसे अगर आप तीर्थस्थल में आते हैं तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यार इधर पे, तो ज़रूरी है इधर पे आने के बाद आप मास्क ज़रूर लगाएं। और फिलहाल अभी घूम रहे हैं ऐसे हम लोग, तो घुमाते हैं आपको अच्छे से। और ये मंदिर में बहुत ज़्यादा कहा जाए तो भीड़ है अभी। मंदिर है ये, मुख्य मंदिर है, जहाँ पे यहाँ पे प्रवेश द्वार करेंगे आप तो वहाँ पे आपको मेन जो मंदिर है वो दिखाई देगी, लेकिन अभी वहाँ बंद है जिस कारण से अंदर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और यहीं पे ही गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, तो आप देख देख तो यह मंदिर है गोरखनाथ जी का, और यहीं पे है बजरंगबली जी का, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे भी देवी देवताओं का जगह भी है। और यहाँ पे है दक्षिणमुखी हनुमान, और यहाँ पे है श्री गणेश। यहीं पास में ही नारायण मंदिर भी है, आप देख पा रहे हो। तो इसी स्थान पर छोटे छोटे बड़े बहुत सारी मंदिरें हैं, यहीं पे ही ज्योतिघर भी स्थापित है, और ज्योतिघर दीपक 122 से 223, मतलब यहाँ बहुत सारे ज्योतिघर हैं मतलब। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है, जिसमें जितने भी मान्यता मांगते हैं उनका वही अपनी जो चुनरी है उसको बांध के रख दी है। जो अमरकंटक का मुख्य स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें लगभग 24 और भी मंदिर हैं, तो वो सारे जगह भी यहाँ पे। तो अगर आप इस जगह में आते हैं तो सारे मंदिर अच्छे से घूमें, लेकिन सावधान रहें कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं जो आपके सामान को छीनते बहुत ज़्यादा हैं, वो यार इन लोग से एकदम बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं ये, और इनका आवाज़ देख रहे हैं बस ऐसे ही उत्पात मचाते रहते हैं, तो सेफ़ रहिएगा इन लोग से। तो यहाँ बहुत सारे बड़ी बड़ी छोटी छोटी मंदिरें वगैरह भी है, तो आप देख लीजिए। ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर आइए घूमने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है। और मेन मंदिर तो यही है, तो आप यहाँ तो आएंगे ही, तो और भी यहाँ छोटे बड़े जो मंदिर हैं वो भी जगह घूमिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो मंदिर के जो परछाई हैं वो इस जो सरोवर है उस पर दिखाई देती है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रहा यहाँ का पूरा मंदिर, और यहाँ का जो राम जानकी मंदिर है वो भी बंद है यार, पता नहीं किस वजह से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नर्मदा जो है मंदिर का, वहाँ यहाँ प्रसाद भी मिलता है, तो भोग प्रसाद 51 रुपये का मिलता है, नारियल लड्डू 51 रुपये, नर्मदा जल 20 रुपये, और यहीं से एक टिकट मिलता है, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ का प्रसाद वगैरह। तो
दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर नर्मदे।